ये है महाराणा प्रताप जी के भुजाओं का दम, जो कि एक साथ दुश्मन और उसके घोड़े दोनों को आधो आध काट देते थे। तो मैं 150 रुपए की स्टूडेंट टिकट लेकर आ गया हूँ महाराणा प्रताप जी के म्यूजियम में। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले मुझे दिखता है उनका एक कवच, जिसे पहनकर उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, और उनकी कुछ तलवारें जो कि देखने में बहुत भारी लग रही हैं और शायद मेरे हाथ में भी ना आए। और ये है उनका पूरा लुक जैसे वो युद्ध में उतरते थे। यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि महाराणा प्रताप जी के भाले, तलवार और कवच का वजन 35 किलो था। तो गूगल भाई, इसे प्लीज अपडेट कर दीजिए। और ये है उनके प्रिय घोड़े चेतक का एक मॉडल, जिसके आगे महाराणा प्रताप जी ने एक सूंड लगा रखी थी, ताकि दुश्मन सेना का हाथी उनके घोड़े पर छोटा हाथी समझकर वार न कर सके। और वो घोड़े को भी सेनापति जैसा सजा कर रखते थे। और यहाँ पर रखी है हल्दीघाटी युद्ध भूमि की मिट्टी। और ये है महाराजा पृथ्वीराज चौहान का वो पत्र, जो कि उन्होंने महाराणा प्रताप जी को लिखा था। और ये है हल्दीघाटी युद्ध का वो चित्र, जो कि ध्यान से देखने पर बहुत कुछ बता रहा है।